नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजनी वर्मा। ये हमने आधे किलो चावल ले लिए हैं। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे और करीब 1 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। ये चावल हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब हम इसे करीब 1 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे, क्योंकि ये बासमती चावल है और बासमती चावल आप जितना भिगाएंगे उतना ये अच्छे बन के तैयार होंगे। चावल हमने अब भिगा के रख दिए हैं। अब 1 घंटे बाद हम इसका पुलाव बनाएंगे। आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी थोड़ी देर में हम पुलाव बनाते हैं। पहले हमने इसमें घी डाला था, उसके बाद हमने इसमें जीरा डाला आधा चम्मच के करीब, फिर 2 तेजपात के पत्ते और 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च। काली मिर्च और लौंग आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अब हम डालेंगे प्याज, जिसे हमने मोटा मोटा काट लिया था। थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे प्याज ताकि जले ना। ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करनी है, हल्की सी गोल्डन रखनी है। अगर आप चाहें तो प्याज स्किप कर सकते हैं। जो लोग प्याज नहीं खाते वो प्याज नहीं डालें तो भी चलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हल्के से गोल्डन हो रहे हैं। अब हम इसे ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मटर, जो कि हमने 1 कटोरी के करीब लिया है, इसे धो लिया है। मटर डाल देंगे। अब हमने मटर डाल दिया इसमें। अब मटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल, जिसका कि हम पहले पानी निकाल चुके हैं। सारा चावल इसमें डाल देंगे। इसे चला लेंगे थोड़ा सा। नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। चावल डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि चावल से थोड़ा सा ऊपर रहे। इसे चला के देख लेंगे। पानी डाल दिए हैं, आप देख रहे हैं कि पानी चावलों से बस थोड़ा सा ऊपर है। इतना पानी हम डालेंगे। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देते हैं। कुकर का ढक्कन अब हमने बंद कर दिया है। अब इसमें करीब हम 3 सीटी आने देंगे और 3 सीटी आने के बाद जब इसका प्रेशर निकल जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें 3 सीटी आ जाए तब हम इसे बंद कर दिया था हमने। अब हम इसे खोल कर देखेंगे। थोड़ी देर हो गई है, इसकी भाप निकल गई है। देखिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार है। हल्के से चला लीजिए, ज़्यादा नहीं चलाइए नहीं तो टूट जाएंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए कितने खिले खिले बने हैं।
ये चावल आप चाहे किसी भी दाल सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो आप इसे चटनी में भी खा सकते हैं। चटनी बनाने की रेसिपी जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चावल खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इन्हें आप ऐसे भी कई लोग खा लेते हैं बिना किसी दाल चावल के, और चटनी के साथ तो उसका अलग ही मजा है। तो आपको ये चावल कैसे लगे बनाइएगा ज़रूर, और फिर हमें कमेंट कीजिएगा कैसे लगे, और अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। आपको अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। इसके बाद आप कोई और रेसिपी जानना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।